बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक रिक्रूट क्लास कोर्स की बुक है प्रैक्टिकल पुलिसिंग के लेसन प्लान नंबर 24 नशा के बारे में बात करते हैं। इसकी तारीफ क्या है? नशा और अशिया हर किस्म की मंशियात, मसलन चर्स है, हीरोइन, आइस, अफ्यून, शराब वगैरह शामिल है, जिसे सूबाई हुकूमत सरकारी गजट में इश्तहार शाया करके इसे नशादार शह करार दे। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से नशा और अशिया का इस्तेमाल, खरीद व फरोख्त का काम कसरत से पाया जाता है, जो कि गैर कानूनी है, और मुतल्लिका अदारे हर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हैं। नशा और अशिया फरोख्त करने वालों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शुरू में खुद नशा करते हैं और फिर नशा पूरा करने की गर्ज से नशा और अशिया की फरोख्त का काम शुरू कर देते हैं। मकूल मुनाफा होने की बिना पर अक्सर लोग मंशियात फरोशी का कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में इलाका गैर में मंशियात की वाफर मकदार में पैदावार होती है, जो पूरे मुल्क में पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान के अक्सर देहातों में शराब कशीद की जाती है और फिर कशीद की गई शराब सप्लाई की जाती है। इसके बाद है बहाली सेंटर के बारे में, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। जो शख्स नशा की हालत का शिकार हो जाए और उसकी इस लानत से जान छुड़वाने के लिए पूरे मुल्क में बेशुमार सरकारी रिहैबिलिटेशन सेंटर और मुख्तलिफ प्राइवेट एनजीओज काम कर रही हैं, जहां पर नशा के आदि शख्स को दाखिल करवाया जाता है। सेंटर्स तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए नशा के आदि शख्स पर सख्त मेहनत करके इस लानत से इसकी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल होती है। क्योंकि सेंटर्स में मुकम्मल तौर पर ऐसा माहौल दिया जाता है जो नशा को छोड़ने में मदद देता है। मंशियात फरोशी रोकथाम में कांस्टेबल का क्या किरदार होता है? कांस्टेबल अगर जुम्मेदारी से इलाका गश्त करे तो मंशियात फरोशी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकता है। नंबर 2 है इसमें इलाकों में मुअज्ज़ज़ अशख़ास, इमाम मस्जिद, मेंबरान, अमन कमेटी और नंबरदारान से रवाबत तय करके मंशियात फरोशों के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकता है। नंबर 3 पे बात करते हैं, मुखबरान ख़ास मुकर्रर करके इलाका में मंशियात फरोशों की बाबत मालूमात इकट्ठी करके कार्रवाई की जाकर मंशियात फरोशी की रोकथाम की जा सकती है। नंबर 4 पे है, इलाका में रेडी बानों, मांगने वाले और जब मजमा लगाने वालों के ज़रिए भी मंशियात फरोशों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इनके खिलाफ कार्रवाई करके मंशियात फरोशी की रोकथाम की जा सकती है। नंबर 5 है, छोटे मंशियात फरोशों के ज़रिए बड़े मंशियात फरोशों के बारे में मालूमात इकट्ठी करके कांस्टेबल इनकी गिरफ्तारी में मावन साबित हो सकता है। शुक्रिया।